Hello, students. We are doing your chapter number two the sexual reproduction in flowering plants. So, our next topic is pollen pistil interaction. Our last topic was pollination and its type. Then, we are doing the next topic that is pollen pistil interaction. So, in the last part, we studied that many pollen grains land on the stigma, which is called pollination. Through the different agencies, विच आर कॉल्ड पोलिनेटिंग एजेंट लाइक विंड वॉटर एंड एनी इंसेक्ट एट्सेट्रा ओके सो आज वाले टॉपिक के अंदर जो पोलन पिस्ल इंट्रैक्शन है उसके अंदर हमने अब तक जो पोलिनेशन के अंदर पढ़ा है उससे फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे ओके okay. सो so, पोलिनेशन के अंदर हमने सिर्फ कितना पढ़ा था दैट पोलन ग्रेन्स आर लैंड ऑन द स्टीमा ओके देन आफ्टर कमिंग ऑन द स्टिग्मा और आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा द पोलिनेशन इज नोट गारंटेड दैट द पोलन ग्रेन्स विल लैंड ऑन द एक्यूरेट स्टिग्मा दैट पोलन ग्रेन्स को पोलन ग्रेन्स को नीड होती है एक एक्ूरेट स्टिग्मा की ठीक है इट मीन्स जो एक्यूरेट स्टिग्मा होगा सिर्फ वही क्या कर सकता है पोल ग्रेन को रिसीव करेगा ओके okay? पोलन ग्रेन को क्या करेगा रिसीव करेगा अगर हमारे पास क्या है जो पोलन ग्रेन्स हैं अगर क्या है वो रोंग टाइप के आ गए इट मीन्स क्या है अगर किसी और स्पीसीज़ के आ गए या फिर सेम प्लांट्स के आ गए जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबल है इट मीन्स पोलिनेशन हो ही नहीं सकता ठीक है सो so, इस टाइप में क्या करेंगी पिस्टल हैज़ एबिलिटी टू रिकोगनाइज द पोलन अब देखो क्या है कि जो हमारे पास ये वाला जो पार्ट था स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी वाला इट मीन्स कंप्लीट जो पिस्टल है इसके अंदर क्या होता है जैसे ही पोलग्रेन यहाँ पर लैंड करते हैं ठीक है मान लो पोलग्रेन्स ने यहाँ पर लैंड कर दिया अब इस पिस्टल के अंदर क्या है एक कैपेबिलिटी होती है कि वो करेक्ट पोलग्रेन को चूज़ करें इट मीन्स इन पोलग्रेन्स को अगर जो हमारे पास यहाँ पर पोलग्रेन आए हैं अगर ये क्या है करेक्ट है इट मीन्स बिल्कुल सही है सेम स्पीस से हैं और पोलिनेशन भी अच्छे से हुआ है तो क्या करेगी ये एंट्री दे, दे देगी ठीक है पिस्टल है जो अंदर आने देगी पोलन ग्रेन्स को बट समाइम क्या होता है रोंग टाइप के जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं ठीक है तो इस टाइप की कंडीशन में क्या है जो पिस्टल है वो एंट्री नहीं करने देगी ठीक है ना वो पोलन ग्रेन्स को एंटर नहीं करने देगी अंदर ठीक है अब देखो वो किस टाइप के हो गए यहाँ पर आगे देखो आपका जो एक दिखा रखा है इसके अंदर देखो इफ द पोल इज ऑफ रोंग टाइप अगर जो पोलन ग्रेन्स है वो रोंग टाइप के आ गए देन जो पिस्टल है वो क्या कर देगी उनको रिजेक्ट कर देगी किस चीज़ के लिए पोलन जर्मिनेशन के लिए ठीक है इट मीनस जो स्टिग्मा के ऊपर जो स्टिग्मा के ऊपर जितने भी पोलन ग्रेन आए हुए हैं उनको जर्मिनेट नहीं होने देगी ठीक है ना जो पोलन ट्यूब है जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था ना कि जो पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था कि एग्जाइन प्रेजेंट होती है इंटाइन होती है फिर हमने पढ़ा था कि एग्ज़ाइन में एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जर्म पोर ठीक है क्या बोलते हैं उसको हम जर्म पोर उस जर्म पोर में से क्या होती है जैसे ही जो हमारे पास आ, आ, ये होते हैं पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जैसे ही यहाँ पर लैंड करेंगे सो so, अगर इनको एंट्री मिल गई तो क्या है उन पोलन ग्रेन्स को जैसे ये आपका पोलन ग्रेन होता है ठीक है ये इसका स्ट्रक्चर ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है एग्जाइन और ये अंदर वाली इंटाइन ठीक है सो ये जो पोर था यहाँ पर यहाँ से क्या है एक ट्यूब जर्मिनेट होने लग जाती है ठीक है ये आपका क्या है एंथर का स्ट्रक्चर सॉरी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है बच्चे ठीक है बाहर वाली जो एग्जाइन लेयर है वहाँ से जो जर्म पोर प्रेजेंट होता है वहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोट्रूड होता है ठीक है निकलता है यहाँ से जिसको हम क्या बोलते हैं ट्यूब पोलन ट्यूब ओके क्या बोलते हैं इसको हम पोलन ट्यूब और ये सिर्फ तभी जनरेट होती है जब इसको एक्यूरेट मीडियम मिलता है एक्यूरेट नरिशमेंट मिलता है ठीक है सो क्या होते हैं कि जो पोलन ग्रेन से हैं अगर उनकी रोंग एंट्री हो गई है ठीक है जो रोंग अगर वो आ गई हैं तो पिछले उनको क्या है प्रिवेंट करेगी रिजेक्ट कर देगी उनको एंट्री करने से ठीक है बट जैसे ही क्या है कि जो पोलन है जो एंट्री कर चुकी हैं ठीक है एंट्री कर देंगे तो इट मीन्स फर्दर आगे की जो प्रोसेस होगी आपकी वो होने लग जाएगी अब क्या है जो ये पिस्टल की एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने की दैट की जो पोल्स हैं उनको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है ठीक है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी पिस्टल के ऊपर इट मीन्स पिस्टल है जो उसके पास एक एबिलिटी होती है जिसकी हेल्प से वो क्या है पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट करेगी ठीक है बट अगर क्या है एक्सेप्ट हो गई है सो so, क्या होगा जो कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड पिस्टल इट मीन्स आगे की प्रोसेस चलती रहेंगी ओके okay? आगे की जो प्रोसेस चलती रहेंगी अब जो ये एक्सेप्टेंस हो रहा है रिजेक्शन हो रहा है पोल ग्रेन्स का सो so, पता कैसे लगेगा दैट करेक्ट पोल्स आ रहे हैं या फिर रॉन्ग पोलन्स आ रहे हैं सो so, पिस्टल के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो केमिकल हेल्प करते हैं आपकी दैट जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रोंग टाइप के हैं और करेक्ट टाइप के हैं ठीक है पिस्टल के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके रिकॉग्नाइज करेंगे ठीक है और ये कुछ रिसेंट ई ईयर्स में ही जो कुछ बोटनेस थे उन्हें पता लगा था दैट कि जो पोलन पिस्टल है कंपोनेंट है जो इंट्रेक्शन हो रहा है वो किसी एक केमिकल्स की हेल्प से हो रहा है ठीक है इट मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर ही ये स्टडी हुई है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी जो एंट्री है वो पिस्टल है जो वो रिकॉग्नाइज करके तब करती है और वो भी रिकॉग्निशन भी किस बेस पर होता है उनके केमिकल कॉम्पोनेंट की बेस पर ठीक है अब इसके अंदर देखो एज मैंशन अर्लियर द फॉलोइंग कंपेटिबल पोलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रो वन ऑफ द जर्म पोर अभी बताया था नहीं ये कि जो जर्म पोर होता है वहाँ से क्या होती है आपकी एक ट्यूब निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं पोलन ट्यूब ठीक है जिसको हम क्या बोल रहे हैं पोलन ट्यूब अब देखो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये वाला अभी इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आएगी सो so, अभी यहाँ पर देखो आपकी क्या बता रखी है इसके अंदर देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट कौन सा हमारा स्टिग्मा स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पोलन ग्रेन्स ने एंट्री की ठीक है पोलन ग्रेन्स लैंड हो गए अब क्या है जो पिस्टल है कंप्लीट वो कुछ केमिकल रिलीज करेगी जिसके हेल्प से पता लगेगा कि जो पोलन ग्रेन्स है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है सो so दैट वो एंट्री दे सके ठीक है अब मान लो कि एंट्री दे दी सभी को ठीक है बहुत सारे पोलन ग्रेन्स सा हैं उनको एंट्री दे दी बट उनमें से क्या होता है सिर्फ एक पोलन ग्रेन ही क्या करता है फर्दर मीन्स कंप्लीट जो फर्टिलाइजेशन है वहाँ तक पहुँच पाता है इट मीन्स उसी तक पहुँच पाता है जैसे आपने उसके अंदर पढ़ा होगा ना टेंथ क्लास में आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा कि बहुत सारे जैसे जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कि जो ह्यूमन है उसके अंदर से बहुत सारे स्पम रिलीज करता है वो वेजाइना के अंदर बट ओनली सिंगल स्पम है वही आगे चल के फर्टिलाइजेशन करता है ठीक है सो सेम वे से क्या है आपका यहाँ पर भी होगा बहुत सारे ग्रेन्स आएंगे कोई किसी की वजह से डेथ हो जाएगी किसी की कुछ वजह होगी ठीक है बट क्या होगा एट लास्ट सिर्फ सिंगल पोलन ग्रेन ही क्या करेगा कंप्लीट पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा ठीक है और ये पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करते हुए क्या करेगा आगे अपना फर्दर जो इसका वे है वहाँ तक पहुँचेगा ठीक है अब जो ये फर्दर कैसे पहुँच रहा है ये वाली प्रोसेस हम अभी करेंगे ओके ठीक है तो so, यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है कि जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट हो चुकी है पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने के बाद क्या करती है देखो थ्रो द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल एंड रिचेज टू द ओवरी कहाँ तक पहुँच गए हैं जो पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा से होते हुए देन स्टाइल एंड देन ओवरी ओके अब आपने क्या पढ़ा था लास्ट में जब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था दैट पोलन ग्रेन से है जो टू सेल पर टू सेल्ड कंडीशन आती है तब शेड ऑफ हो जाते है इट मीनस वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल यही पढ़ा था ना हमने टू सेल स्टेज इन इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इट मीन्स जिसके अंदर आपकी टू सेल स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन्स है जो शेड हो चुके हैं फर्दर क्या होगा जो हमारी जनरेटिव सेल होगी उसके अंदर से क्या निकलेंगे टू मेल गैमिट्स ओके okay? अभी तक क्या आ रहे थे हमारे पास सिर्फ पोलन ग्रेन है पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं मेल गैमिट्स सो so, अब क्या करेगी जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगी और वहाँ से टू मेल गैमिट है जो रिलीज होंगे जो कि क्या करेंगे पोलन ट्यूब मतलब जैसे ग्रोथ हो रही है उनकी उस टाइम पर रिलीज़ होंगे ठीक है कितने गैमेट्स टू गैमेट्स ये आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है ये आपके वन मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ठीक है टू पोलन ग्रेन्स हैं जो आप सॉरी टू मेल गैमेट हैं जो आपके वो रिलीज होंगे अब जैसे ही वो रिलीज़ हो गई हैं ठीक है चलो ये तो बात हो गई हमारे पास किन चीज़ की टू सेल स्टेज के ऊपर जहाँ पर क्या है पोलन ग्रेन्स हैं जो रिलीज़ हो गई थे बट हमने क्या पढ़ा था कि फोर्टी परसेंट हमारे कुछ इस टाइप के भी एनजीओ स्पम होते हैं जिनके अंदर क्या होता है थ्री सेल कंडीशन के अंदर क्या है जो पोलंग्रेन है वो शेडो होते हैं सो so, उस टाइम पे भी क्या होता है देखो अब हम अब तक हमने क्या पढ़ा है बेटा कि जो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन है वो टू सेल स्टेज की कंडीशन में इट मीन्स ये क्या आपकी वेजिटेटिव और यहाँ से आपकी ये वाली क्या थी जनरेटिव ठीक है एक हमारी इस टाइप से थी सेम वे से यहाँ पर वेजिटेटिव यहाँ पर जनरेटिव ठीक है यहाँ पर क्या हो गया था कि ये मान लो टू सेल स्टेज है ठीक है और ये आपकी थ्री सेल स्टेज ये थ्री कैसे हुई वो अभी बताऊंगी ठीक है टू सेल स्टेज में आपका क्या होता है बेटा कि जो आपके यहाँ से पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो गए हैं अब जैसे ही वो स्टिग्मा से स्टाइल और ओवरी में जाएंगे इट मीन्स इनकी जो पोलन ट्यूब है वो क्या है जर्मिनेट हो रही है सो क्या होगा अब जो ये जनरेटिव सेल है यहाँ से क्या होंगे टू मेल गैमेट है जो रिलीज कर सकेगी ये बट अगर थ्री सेल स्टेज पर कोई जो पोलन ग्रेन्स हैं वो शेड ऑफ हो रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा थ्री सेल स्टेज इट मीन्स यहाँ पर भी एक हो चुका है ठीक है डिवीजन टू हो गई थी ना ये सो ये क्या करेगी टू मेल गैमिट ये रिलीज़ करेगी टू मेल गैमिट ये रिलीज़ करेगी बट क्या होगा यहाँ से मेल गैमिट तो फोर रिलीज हो गई लेकिन जैसे ही आगे पोलन ट्यूब के अंदर जाएंगे तो सिर्फ क्या है पोलन ट्यूब के अंदर से आपके सिर्फ और सिर्फ जो टू मेल गैमिट्स होंगे उनकी है जो एंट्री होगी ठीक है ना उनके अंदर भी सिर्फ क्या होगी पोलन ट्यूब के अंदर सिर्फ दो की एंट्री होगी ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना कि सिर्फ अंदर कितने पोलन, ये मेल गैमेट्स जाएंगे आपके टू मेल गैमेट्स ओके सो so, अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर ये यह लिख रखा इन सच प्लांट्स विच शेड ऑफ द थ्री सेल्स इन कंडीशन अगर थ्री सेल पर जाती है तो क्या होगा पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्टिंग से ही क्या होगा पोलन ट्यूब के अंदर सिर्फ दो मेल गैमेट आएंगे ओके देन पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी जैसे ही वो ओवरी के पास पहुँच गई है अब ओवरी के पास जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था तब याद हो मैंने एक नाम बताया था माइक्रो जहाँ पर आप एक स्मॉल होल पढ़ते हो माइक्रोपाइलर एंड हमने पढ़ा था जहाँ पर एक स्मॉल होल होता है जिसको हम माइक्रो पाइल बोलते हैं उसी टाइम पर मैंने बताया था कि माइक्रो पाइल के थ्रू ही क्या होगी जो मेल गैमेट्स हैं उनकी एंट्री होगी ओके okay? अब माइक्रो पाइल के थ्रू क्या है इन्होंने एंट्री कर ली अब एंट्री करने के बाद ये कहाँ पर जाएंगे बेटा सिनर्जिड सेल के अंदर सिनर्जिड सेल के अंदर क्या थे फीली फॉर्म एपरेटस फीली फॉर्म ऐपरेटस से होते हुए एक सिनर्जिड सेल के अंदर चला गया एक मेल गैमिट ओके अब एक मेल गैमिट तो चला गया अब क्या है दूसरे मेल गैमिट की बारी है ओके okay? सो so, अभी इन्होंने क्या बताया दैट फिलीफॉर्म एपरेटस ये मैंने आपकी क्या है उसके अंदर बताया था जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था कंप्लीट ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपकी जो एट सेल्स बनी थी उन सभी के फंक्शंस बताए थे कि जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं उनके अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं जो पोलन ट्यूब है उसकी वे की गाइडेंस में कि उसको कहाँ पर जाना है ठीक है गाइडेंस का काम कौन करते हैं यहाँ पर जो सिनर्जिड सेल के अंदर फिलीफॉम एपरेटर्स होते हैं वो ठीक है सो ये क्या करते हैं गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब्स ठीक है यहाँ तक हो गया अब जो हमारे पास ये सारे के सारे स्टेप्स हुए हैं इट मीन्स पोलन डिपोजिशन जैसे हुआ है स्टिग्मा के ऊपर वहाँ से लेकर पोलन ट्यूब एंटर इंटू द ओव्यूल्स एंट्री कर दी है पोलन ट्यूब ने कहाँ पर ओव्यूल के अंदर यहां तक के जितने भी स्टेप्स हुए हैं जितनी भी इंट्रैक्शन हुई है उनको ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन ओके क्या बोल रहे हैं इनको हम पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन आप देखो नेक्स्ट एस पॉइंटेड आउट Earlier pollen-pistil interaction is a dynamic process involving the pollen recognition from the promotion to inhibition of the pollens. It means हमने अभी देखा तो कि जो chemicals होंगे वो क्या है pistil के कुछ chemicals होते हैं जो कि क्या करते हैं आपके help करते हैं कि जो pollens हैं हमारे वो बिल्कुल correct type के आए हैं या फिर incorrect टाइप के ओके अब करेक्ट incorrect भी देखी जाएगी चलो ठीक है आ गए ये भी अब उस बेस पर हम क्या कर सकते हैं हेल्प कर सकते हैं जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो किस में हेल्प करेंगे मैन्यूपुलेटिंग द पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन इट मीन्स जो आर्टिफिशियल इंट्रेक्शन होता है ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है इट मीन्स मैनिपुलेटिंग जो स्पीसीज होंगी न्यू स्पीसीज होंगी वो यहाँ से आपकी निकल के आ सकती हैं किसकी हेल्प से कि जो करेक्ट टाइप का पोलन ग्रेन है वही उसके ऊपर आकर क्या हो आपका इंटरेक्ट करे ठीक है तो यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ेंगे अब देखो यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जैसे ही हमने जो पोलन ट्यूब है वो उसकी क्या करवा दिया है हमने मेच्योरिटी करवा दिया इट मीन्स पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो चुकी है वो हम आर्टिफिशियल वे से भी करवा सकते हैं बेटा यह आपका एक एक्सपेरिमेंट भी है जो कि हम लैब में करेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ क्या लेना है आपके पास देखो बहुत सारे फ्लावर्स के इन्होंने नाम दे रखे हैं आप कोई भी एक फ्लावर ले सकते हो उसमें से हम जैसे ही क्या करेंगे कुछ जो पोलन ग्रेन हैं उनको स्लाइड के ऊपर डस्ट कर लेंगे और उनके ऊपर क्या करेंगे टेन परसेंट शुगर सोल्यूशन है जो टेन परसेंट जो शुगर सोल्यूशन होगा उसको ड्रॉप वाइज उसके ऊपर दो तीन ड्रॉप है जो हम डाल देंगे ओके और 15 टू 30 मिनट्स के बाद हम इजीली माइक्रोस्कोप के अंडर क्या देख सकते हैं उसकी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनमें से जो पोलन ट्यूब है उनकी जर्मिनेशन हो रही है ठीक है इस जो ये हमारे पास ये मेथड आया है ना दैट पोलन ग्रेन्स के में से क्या हो रहा है जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट हो रही है ठीक है ये हम नॉर्मली लैब में भी कर सकते हैं आपका ये एक्सपेरिमेंट है ठीक है ये आपकी क्या है पोलन ट्यूब जर्मिनेशन ओके अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे भाई करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में पता चलता है देखो यहाँ पर एक आपका वर्ड आया था कि डायनामिक प्रोसेस इस डायनामिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है बेटा कि जो पोलन्स होंगे अगर वो वही करेक्ट टाइप के होंगे तो एंट्री मिल जाएगी अगर इनकरेक्ट टाइप के होंगे तो क्या है हमारे पास एंट्री नहीं होगी और पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन नहीं होगी और जो पोलन ग्रेन है वो पिस्टल के थ्रू इनहिबिट कर दिए जाएंगे ओके okay? और अगर हमारे पास जो पोल्स है वो करेक्ट टाइप के आ गए देन क्या होगी फर्दर प्रोसेस हो जाएगी ओके okay? अच्छा उससे पहले देखो ये वाला जो आपका डायग्राम था अब इसकी हमने कंप्लीट है जो पढ़ ली है थ्योरी देखो अब इसमें कैसे कर रखा है आपको देखो जैसे यहाँ से मैंने बताया कि पोलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो चुकी है अब जैसे ही पोलन ट्यूब ने यहाँ पर जर्मिनेशन लिया सो तो यहाँ पर क्या है आपके माइक्रो पाइलर एंड ये आपका क्या है यहाँ पर यहाँ पर आपका क्या है ये तो माइक्रो पाइल ओके इस माइक्रो पाइल में से क्या है जो पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री हो गई है ठीक है अब एंट्री होने के बाद क्या है सबसे नीचे क्या है ये आपके सिनर्जिड सेल सिनर्जिड सेल में से जाएंगे सिनर्जिड सेल के अंदर फीलीफॉर्म एपरेटस होती हैं जो कि क्या करती है पोलन ट्यूब को अपना रास्ता दिखाती है कि जो पोलन ट्यूब है उसको कहाँ कहाँ से जाना है ओके सो so, यहाँ पर आकर क्या कर देती है जो पोलन ट्यूब होती है उसमें से जो एक मेल गैमिट होता है वो आपका रिलीज़ हो जाता है और यहाँ पर क्या है फर्टिलाइजेशन हो जाता है एक गैमिट आपका क्या हो जाता है वहीं पर डिजनरेट हो जाता है ठीक है ना अब कई बार क्या होता है आपका कि जो सेकंड वाला गैमेट है वो भी आपका आगे चलकर फ्यूज़ हो जाता है ठीक है बट हम उसको आगे पढ़ेंगे जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ठीक है सो ये हो गया आपका इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो पोलन ट्यूब है वो कैसे आती है और सिनर्जिड सेल के अंदर एंट्री करके कैसे मेल गैमिट को रिलीज़ करती है ओके सो यहाँ पर फिर ये वाला ठीक है हमारा हो गया पोलिनेशन भी हो गया जर्मिनेशन भी हो गया पोलन ट्यूब का अब इससे हम और क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ से हम मेन क्या कर सकते हैं बेटा अभी बताया था कि मैनिपुलेट कर सकते हैं स्पीसीज को इट मीन्स कुछ सुपीरियर वेराइटी है जो उनको हम क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं इसको हम क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल रहे हैं इनको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर क्या होगा इट मीनस ये क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं इस टाइप के कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कुछ डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं जो हम लेंगे और उन्हीं का क्या है हम पोलिनेशन करवाएंगे ठीक है इट मीन्स जो हम पोलन ग्रेन्स चाहते हैं उनके ही पोलिनेशन किसी सेम स्पीसीज़ के स्टिग्मा पर करवाएंगे ठीक है बट सेम स्पीसीज होनी चाहिए वो ये नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा ओके okay. और ये है मान लो कि यहाँ पर चलो आप ऐसे देखो तो देखो आप ऐसे देखो कि आपके पास एक फ्लावर ये है ठीक है और यहाँ पर क्या है आपके एक स्टिग्मा ठीक है ये आपकी पिस्टल है कंप्लीट अब यहाँ पर क्या है आपके कुछ एंथर्स हैं ठीक है अब यहां पर आप ये मान लो कि ये आपका दूसरा एंथर है ठीक है अब यहाँ से क्या हो रहे हैं आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं अब देखो ये सेम कलर के इट मीन्स ये सेम स्पीसी के हैं डिफरेंट कलर इट मीन्स ये डिफरेंट स्पीसीज़ का एंथर है यहाँ से अब क्या है पोलन ग्रेन्स हम डस्ट करना चाह रहे हैं इस स्टिग्मा के ऊपर ठीक है हम चाहते हैं कि भाई ये सेम स्पीसी का और ये डिफरेंट स्पीसीज़ का बट हम क्या चाहते हैं कि हम इस वाले का क्या करें यहाँ पर है जो पोलिनेशन करवा दें ठीक है लेकिन क्या होता है इससे बचाने के लिए भी ताकि इस वाले के पोलन ग्रीन्स इसके ऊपर डस्ट ना हो ताकि फर्दर कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम अपनी डिज़ायर्ड पोलन ग्रीन्स को अपनी डिज़ायर्ड स्टिग्मा के ऊपर है जो लैंड करवा देंगे ठीक है अब ये हम लैंड करवा रहे हैं लेकिन उससे पहले भी हमें क्या करना है कि जो अनवांटेड कंटामिनेशन है ये हमारा क्या है अनवांटेड कंटामिनेशन है वो ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर क्या करते हैं हम जैसे मान लो यहाँ पर भी तो एंथर होंगे ना ठीक है ना ये आपके सेम स्पीसीज के हैं भाई ये एक ही फ्लावर के अंदर है देखो यहाँ पर यह आपके क्या है इसी फ्लावर के अंदर है ठीक है ये आपके एंथर हो गए ये आपके स्टिग्मा अब हम क्या चाहते हैं कि ये वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं ये वाले पोलन ग्रेन्स है जो यहाँ पर आए लेकिन उससे पहले क्या है कभी इस वाले पोलन ग्रेन इस पर शेड ना हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं जो ये एंथर है जो ये एंथर है इसको हम क्या कर देंगे मतलब या तो हम इसको कट कर देंगे ठीक है इसको हम क्या कर देंगे यहाँ से कट कर देंगे ओके रिमूव कर देंगे डायरेक्ट ठीक है इस प्रोसेस को जो ये मेल पार्ट है ये एंथर है इसको हम रिमूव कर रहे हैं प्रोसेस से इट मीन कट कर रहे हैं इसको यहाँ से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा ई मैस्क्यूलेशन ओके क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को ई e ये रही आपकी ई मेस्क्यूलेशन ओके जो सेम पेयर का इट मीन्स उसको हम क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं जो मेल फ्लावर है जो मेल पार्ट है एक तरीके से ओके मेल पार्ट कौन सा आपका हेल्थ है उसको हम क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं फोरसेप की हेल्प से या फिर वैसे सीजर की हेल्प से ओके okay. अब क्या है उसको ठीक है हमने रिमूव कर दिया बट क्या है अब स्टिग्मा रह गई अकेली क्या पता स्टिग्मा के ऊपर किसी दूसरी स्पीसीज का आकर गिर जाए अपने आप क्योंकि इंसेक्ट को नहीं पता विंड को नहीं पता वाटर को नहीं पता कि भई हम किस टाइप के पोलिनेशन चाहते हैं इसके ऊपर सो so, क्या है उसकी भी हम प्रोटेक्शन करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे अपनी जो स्टिग्मा है उसको क्या कर देंगे हम कवर कर देंगे एक तरीके से ठीक है कवर कर देंगे ताकि जो अनवांटेड पोलन है वो उसके ऊपर लैंड ना हो पाए ओके सो इसके लिए हम क्या करते हैं एक सूटेबल साइज़ का बटर पेपर आता है बच्चे एक बटर पेपर आता है जिसको हम क्या कर देते हैं स्टिग्मा को कवर कर देते हैं ठीक है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बैगिंग ओके इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बैगिंग ठीक है ना ये अब यहाँ पर क्या है कि जो स्टिग्मा है वो ठीक है अपने टाइम पर अगर इमेच्योर है अभी तो क्या है वो थोड़े दिन के बाद मेच्योर हो जाएगी एंड देन हम क्या कर सकते हैं आपने जो कलेक्ट करें किए हमने पोलन ग्रेन्स उनको हम क्या कर देंगे उसके ऊपर डस्ट कर देंगे ठीक है ना बट क्या है ये तो हमारा केस हो गया बाई सेक्शुअल फ्लावर के अंदर हमें ई करना पड़ा क्योंकि भाई सेम फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट थे बट अगर एक हमारे पास फ्लावर ही ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ सेक्स ही फीमेल प्रेजेंट है इट मीन्स यूनी फ्लावर है सो so, उसके अंदर आपको ई मेस्कुलेशन प्रोसेस की नीड नहीं होगी बिकॉज मेल पार्ट तो उसके अंदर है ही नहीं और ई मेस्कुलेशन हमारी कौन सी प्रोसेस थी जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि जो फीमेल जो मेल वाला पार्ट है इट मीन्स जो एंथर है उसको क्या कर रहे थे वहाँ से रिमूव कर रहे थे ठीक है ना सो so, ये हो गया है आपका पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन वाला कंप्लीट टॉपिक उसके बाद हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक भी है जो कंप्लीट कर लिया है ठीक है and now your next topic is double fertilization so student as you studied in the previous topic in pollen pistil interaction that the pollen grains land on the stigma which are accurate type that the pollen pistil in, in pollen pistil interaction we studied that only the correct type of pollen grains are received by the stigma and then the pollen tube germination will takes place okay then we studied that the pollen tube germinate and enter into the synergid cell through the filiform apparatus okay and uh, we also studied that uh, the two male gametes are releasing into the synergid cell now what happens will take place or what will take place in further it will call double fertilization then what will happen in double fertilization so let's start आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट सो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने क्या पढ़ाया है जैसे ही जो पोलन ट्यूब हमारी एंट्री की है सिनर्जिड सेल के अंदर सिनर्जिड सेल के अंदर एंट्री करते ही क्या हो रखा है जो पोलन ट्यूब है उसने क्या है जो मेल गैमेट्स है उनको रिलीज कर दिया है ओके okay? कहाँ पर रिलीज किया है सिनर्जिड सेल के अंदर ठीक है और ये नहीं है कि दोनों के दोनों जो न्यू जो मेल गैमेट्स रिलीज हुए हैं पोलन ट्यूब से वो दोनों के दोनों सिनर्जिड सेल में रह जाएँगे नौ no. आगे देखो अब उनके साथ क्या होता है वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टूआ द एग्सैल हमने देखो जो ये वाला आपका स्ट्रक्चर है ये वाला जो नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ से देखो डायरेक्ट इसके अंदर क्या होता है बेटा जैसे ये एंटीपोडल है हमारे पास और ये क्या हमारे पास सिनर्जिड सेल और ये बीच में क्या थी एग सेल और ये क्या थी आपकी सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई सो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा जो न्यूक्लियस है जो मेल गैमेट्स है वो आपका कहाँ पर आएगा यहाँ से लेकर इट मीन्स जो मेल गैमेट है वो आपका सिनर्जिड सेल के अंदर एंट्री करेगा और सिनर्जिड सेल के अंदर एंट्री करने के बाद क्या होगा जैसे ही यहाँ पर सिनर्जिड सेल के अंदर एंट्री हुई सो उनमें से क्या होगा एक मेल गैमेट है जो एग सेल के अंदर चला जाएगा ओके एग सेल के अंदर है जो चला जाएगा अब वहाँ पर क्या है एग सेल के पास भी एक न्यूक्लियस है सो वहाँ पर क्या हो जाएगा एग सेल के न्यूक्लियस के साथ जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ हो जाएगा ओके मेल गैमेट है जो फ्यूज हो जाएगा और वहाँ पर क्या बन जाएगा जाएगोट ओके okay? पहले क्या थी एग सेल के अंदर न्यूक्लियस था जो कि एन था ठीक है उसके साथ ही अब क्या आ गया हमारे पास एक और एन आ गया इट मीन्स एक और मेल मेल गैमेट आ गया सो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास टू एन और क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई आपकी यहाँ पर जयगोट ओके okay? जो ये वाली प्रोसेस हो रही है इट मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द एग सेल न्यूक्लियस दिस इज नोन एज सिमी ओके दिस इज नोन एज सिमी ओके नाउ वन मेल गैमेट हैज बीन फ्यूज एंड नाउ द टर्न ऑफ द सेकेंड मेल गैमेट सो इन द थ्योरी यू कैन सी यू कैन इजिली सी दैट देखो दिस इज द मेल गैमेट एंड मूव टुअर्ड द एक्सल एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस एंड कंप्लीट द सिन गैमी ओके एंड फॉर्म आर डिप्लॉयड सेल दैट इज वेरी ओके यहाँ तक क्लियर हो गया अब नेक्स्ट आते हैं the other male gametes move toward the two polar nuclei it means this is the polar nuclei in the center okay this is the polar nuclei here are the two polar nuclei and now the next male gamete come forward and enter in this okay enter in this this is the primary endosperm cell okay this is the primary endosperm cell and in this the male gamete here look here this is the central cell, polar nuclei. Okay, these are the two nucleus. Now the male gamete will come and get fused in this. Okay. Now male gamete fuse in this. Now this N will come and 2N already present. So what will make? This is will make it 3N. That is triploid cell. Okay. Here triploid cell will become okay this is called triple fusion this is called triple fusion because already two cells are present and one cell will comes and fuse with the both and make a triploid cell this is called triple fusion ओके okay, दो सेल ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट थी बेटा और एक सेल इट मीन्स जो मेल गैमिट है वो आया और दोनों सेल्स के साथ है जो उसने फ्यूज़न किया सो so, यहाँ पर हम इस टाइप के फ्यूजन को क्या बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूज़न ओके okay, और यहाँ पर हमारी कैसी सेल बन गई है ट्रिप्लोइड सेल अब इस टाइप का जो हमारे पास न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई है ठीक है इस टाइप का जो हमारे पास न्यूक्लियस बना है इस टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते क्या हैं प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस और पी ई एन Okay, you will learn the full form of PEN that is primary endosperm nucleus, which is triploid in nature. Okay, and the cell is known as primary endosperm cell PEC. Okay, and this is called here the fusion will take place. This is called triple fusion, and here when the fusion takes place, this is called syngammy. So, the process, or we can say that uh, here the fusion of male gametes. Of two male gametes will takes place at double time. That is one from the syngamy and second is called triple fusion. Okay, second is called triple fusion. One is syngamy when the male gamete get fused with the egg cell and form zygote. This is called syngamy. But when the male gamete get fused with the polar nuclei of central cell this is called triple fusion and these both and this both one second now these both that is syngamy and triple fusion is called as double fertilization okay this is called double fertilization okay, syngamy plus triple fusion is collectively known as double fertilization because the fertilization of the two nucleus will takes place, okay, so called double fertilization. In the theory, you can see that uh, which is triple fusion and what is double fertilization. So, after this, the other male gametes move toward the two polar nuclei of the central cell and fuse with the fuse with them and to produce triploid primary endosperm nucleus that is pen that is pen okay as involve the fusion three haploid nucleus three haploid nucleus means two nucleus in central cell and one nucleus of male gamete the fusion of three cells or three nucleus will takes place so we termed it as triple fusion Okay, because the fusion will takes place between the three haploid nucleus, two of the central cell and one of the male gamete. Okay, then we will call it as triple fusion. Okay, since two type of fusion, it means one is syngamy and second one is triple fusion. Two types of fusion, syngamy and triple fusion takes place in embryo sac. This phenomena is termed as double fertilization. ओके डबल फर्टिलाइजेशन एंड द सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पम सेल वी कॉल्ड द सेंट्रल सेल एज प्राइमरी एंडोस्पम सेल वी कॉल्ड द सेंट्रल सेल एज प्राइमरी एंडोस्पम सेल आफ्टर आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन और आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन ओके जैसे ही जो हमारी सेंट्रल सेल है उसमें जैसे ही फ्यूजन होता है तो वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करती है हमारे पास पीईसी that is primary endosperm cell okay and uh, develop into endosperm and then zygote will develop into embryo okay primary endosperm cell will develop into endosperm and zygote will develop into embryo okay so this is your double fertilization in the double fertilization when the fertilization has been takes place that is double fertilization has been takes place now the antipodal cell get starts degenerating and these synergies cell also get degenerating okay because there now there is no function of this type of cells okay so they start degenerating now only this diagram or this a figure is of your syllabus that is double fertilization these these figures are in your further topics ओके okay? सो so, आप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को देखोगे रीड करोगे अपने चैप्टर को और फर्दर क्या है अपने नोट्स को प्रिपेयर करोगे और मुझे सेंड करोगे और अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे